तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि एस्पिरेशनल सिटी स्कीम के अंतर्गत वो 100 अर्बन बॉडीज को यहां पर डेवलप करेंगे। तो बेसिकली ये 100 अर्बन बॉडीज है वो आगे वाली नहीं होगी, बल्कि जो सबसे बैकवर्ड अर्बन बॉडीज है उनके यहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 टू 1 लाख कैटेगरी में गवर्नमेंट काम करेंगे इन शहरों को बेहतर बनाने के लिए। ये स्कीम जो है उसके अंतर्गत 16 पैरामीटर्स के ऊपर काम किया जाएगा, अलग अलग चीज़ें हैं हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन वगैरह, और ऐसे पैरामीटर्स के अंतर्गत डीम किया जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की जा सके ताकि इन अर्बन सिटीज के अंदर रहने वाले, काम करने वाले और ओवरऑल जो इकोनॉमिक आउटपुट है इन शहरों का वो बेहतर बना सके और बेटर टू लिव इन सिटी से बने। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो ओडिशा से है, जहां पर 4,000 सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है अलग अलग स्पीशीज के बछेरा हिल रीजन के अंदर। तो ये दोस्तों एक मेजर अर्बन एरिया भुवनेश्वर का, और यहाँ पर सबूजा पहाड़ा या फिर ग्रीनिंग हिल रॉक्स इस नाम का एक प्रोजेक्ट जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट भुवनेश्वर के द्वारा, और इसके अंतर्गत ये काम कर लिया क्या है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोटा से, जो कि बनने वाला है देश का पहला शहर जहां पर ये एक ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनेगा। तो दोस्तों यहां पर ये देश का पहला तो बनेगा ही, लेकिन दुनिया का दूसरा भी बनेगा, क्योंकि भूटान का थिम्पू एक अकेला शहर है जहाँ पर बिना ट्रैफिक लाइट्स के स्मूथ और एक्सीडेंट फ्री कम्युनिकेशन और कम्यूटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर ये चीज़ें की जाने वाली है, जहाँ पर राउंड अबाउट्स, स्मार्ट इंटरचेंजेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन वगैरह के बारे में तो हम जानते ही है, और देखो सिग्नल फ्री बोलना ये थोड़े एक अजीब शब्द हो गया, कई शहरों के अंदर वैसे भी सिग्नल नहीं होता है, या वैसे बोल सकते हो ऐसे शहर जहाँ पर इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले होता था, अब वो हटाकर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ये उसके हिसाब से बात हो रही है। तो देखते किस तरीके से कोटा के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हुए हमें गवर्नमेंट नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है इंदौर मेट्रो से, जहाँ पर फर्स्ट सेफ्टी रन ले लिया गया है, ट्रायल रन ले लिया गया है मेट्रो का, जो कि स्मूथली कंप्लीट किया गया। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पर कहा है कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पे थी, वैसे बारिश हो रही थी जब ये ट्रायल रन दिया जा रहा था, और यहाँ पर बेसिकली जो मेट्रो रेक है उसको बे लेन, जो इंस्पेक्शन बे लेन है वहाँ से लेकर गांधीनगर डेपो के बीच में चलाया गया। हालांकि ये 400 से सिर्फ 500 मीटर का ही एकदम छोटा सा रन था, यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो रखी गई थी, हॉर्न जैसी चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट किया गया, दूसरे कुछ पैरामीटर्स को चेक किया गया, लेकिन ये दिल्ली लेकिन इंदौर के मेट्रो के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट घड़ी थी जहां पर ये मेट्रो को चलाया गया। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है आसाम से, जिन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करेंगे 40,000 करोड़ रुपीस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने कहा कि वो कई इन्वेस्टर्स के साथ में इन डिस्कशन पहुंच गए हैं। तो यहां पर वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, ये तीन स्टेट जो है पॉलिसीज लेकर आए हैं यहां पर इस मार्केट में ब्रेक थ्रू करने के लिए, और अब ओडिशा भी इसी के अंतर्गत और ज्यादा अपने यहां पर भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ले आना चाहती है, ताकि उनके यहां पर भी इस तरीके की ग्रोथ उन्हें देखने मिले। तो यहाँ पर होपफुली हमें कोई अच्छी खबर जल्दी सुनने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडियन रेलवे से रिलेटेड, जो कि जल्दी लॉन्च कर सकती है 9 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी खबरें वैसे पहले भी मुझे मिली थी, जहाँ पर ऐसे कहा जा रहा था कि कुछ समय से वंदे भारत के लॉन्चेस कम हो गए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनका प्रोडक्शन स्लो हो गया, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा एक वर्जन चेंज भी आया है, लेकिन अगले टाइम गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार लॉन्च करेगी, जैसे कि पहले अभी कुछ दिनों पहले वाले लॉन्च में भी किया गया था, जब मल्टीपल ट्रेन को एक ही दिन में लॉन्च किया गया था। सिमिलर ऐसे 9 रेक्स जो है उनको एक साथ में देश के अलग अलग कोनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जारी हुई है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC से रिलेटेड, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के अंदर सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, जहां पर बेसिकली 8 लेन एक्सपांशन यहां पर कुछ सेक्शंस में देखने को मिलने वाला है। और वैसे अगर ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है 2 टेस्टिंग फेसेस के अंदर, तो ये जो पूरा का पूरा लेंथ है वो की 8 लेन बन जाएगा। अब दोस्तों मैं को थोड़ा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। 94.5 किलोमीटर का टोटल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, लेकिन यहाँ पर जो अभी नया एक मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है जो मेजर घाट सेक्शन को बाईपास करता है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में घाट छोड़ के कहीं और बहुत ट्रैफिक होता है नहीं, तो इस घाट सेक्शन के पहले और बाद में वैसे भी जो सिटीज़ के पास वाले एरिया है उनको किया जाने वाला है 8 लेन उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो थोड़ा ही सेक्शन बचा था जहाँ पर 8 लेनिंग की ज़रूरत थी, लेकिन अब वो भी कर दिया जाएगा। तो ये जो देश का पहला एक्सप्रेसवे था, जो जल्दी देश के अंदर का एक और नया 8 लेन एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसके अंदर पूरे दुनिया की वाइडेस्ट टनल्स भी होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया गया है देश को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाए गए। तो यहां पर 2941 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स ये थे, जहां पर देवक ब्रिज जो जम्मू में अंदर है उसको इनॉग्रेट किया, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। रिसेंटली हमने खबर दी भी थी कि बॉर्डर रोड जो है वो 2-3 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बना
आती है तेजी से और फटाफट फटाफट उनको जो जो है ऑपरेशनलाइज भी कर देती है महीनों के टाइम के अंदर। ऐसी एक सिमिलर चीज हुई है जहां पर 90 प्रोजेक्ट्स को एक साथ देश को सुपुर्द किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, जहां पर खबर हमें मिली है एक और ऐसी टनल रिलेटेड। तो यहाँ पर वहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न एरिया के अंदर एक टनल बन रही है, इसका नाम है नशिफू टनल और ये अगले महीने ओपन हो जाएगी ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली तवांग जाने वाले रूट पर ही आती है, सेला टनल के ये थोड़ा सा पहले है। यहाँ पर काम वैसे सेला टनल में बाकी है लेकिन ये टनल अगले महीने तक ओपन हो जाएगी। एक ट्यूब टनल ये है 1555 मीटर लंबी, जहाँ पर बाईलेन के रोड होंगे और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है, जो हमारे बॉर्डर मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका काम अगले महीने पूरा हो जाएगा एक लेवल पे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी फिर से डिफेंस रिलेटेड ही, जहाँ पर आर्मी ट्रूप्स को जो डिप्लॉय किया गया है LOC पर उनको न्यू बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, प्रोटेक्शन ट्रूप्स और स्टील पियर्सिंग बुलेट्स को रोकने वाले इक्विपमेंट दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किए गए हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर निकाले गए हैं आर्मी के द्वारा, जहाँ पर हेलमेट, शील्ड, सिख हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह प्रोक्योर किए जाने वाले हैं। तो आप जानते हो कि धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट वैसे भी आर्मी पर्सनल का बढ़ रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज के अंदर और अब इनको इक्विपमेंट भी गवर्नमेंट तेजी से दे रही है। अगली खबर दोस्तों और यह टाटा स्टील से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है अपना पहला फुल्ली ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चर करेगा रीइंफोर्स स्टील। तो ये बेसिकली गाजियाबाद के पास में आता है और कटक यूनिट जो है ओडिशा की उसके अंडरगत ये चलाया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली कट एंड बेंड से बनने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर बनेंगे, जैसे कि रीबार्स हो गई, कपलर थ्रेडिंग हो गई, ये सब चीज़ें बनाई जाएगी और ऑटोमेटेड प्लांट होने की वजह से यहाँ पर तेज़ी से एफिशिएंटली चीज़ें बनाई जाएगी। साथ साथ यहाँ पर डाउन स्ट्रीम सॉल्यूशंस जो होते हैं वायर्ड, वेल्डेड मैश, बोर, ब्रिज, केजेस वगैरह जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी होते हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे ऑटोमेटेड तरीके से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो श्रीनगर स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अनाउंस किया है इसके लिए। तो यहाँ पर बेसिकली लेक फ्रंट डेवलपमेंट किया जाने वाला है नॉर्दर्न फोरशोर रोड दल लेक के पास में, जो कि निशद से लेके हबब के बीच में बनेगा। क्रॉसिंग यहाँ पर बेसिकली बनाई जानी है, जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट पेडेस्ट्रियन वॉकवेज होंगे, साइकिल ट्रैक्स होंगे, व्यूइंग डेक्स होंगे, जिसकी वजह से श्रीनगर और ज़्यादा लिवेबल और एक ब्यूटीफुल सिटी बनेगी जो ऑलरेडी है। तो ये आप जानते ही होंगे, मल्टीपल वीडियोस आते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर कि कैसे श्रीनगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसी के अंदर का ये एक एडिशन है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे G20 समिट से रिलेटेड है, जिसके अंदर का एक और सक्सेस हमें सुनने को मिला है, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारे देश के अंदर एक ज़माने में पावर होती थी ग्लोबली शिप बिल्डिंग के अंदर हम ऊपर रहा करते थे, उसको गवर्नमेंट फिर से रिक्लेम करेगी और अभी जो है कई कंपनीज के साथ में मिलकर गवर्नमेंट जो है फिर से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रॉप अप करेगी। तो कुछ यहाँ पर इसके लिए MOUs वगैरह साइन किए गए हैं और बेसिकली चाइनीज कॉम्पिटिटर्स से भी इंडियन कंपनीज जो है बाद भी बना के मुकाबला कर पाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश से है, यहाँ पर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिए है कुछ लाइन्स यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए। तो बेसिकली पॉलिसी वाली खबर है, जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं पर वेस्टर्न यूपी को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार रही है, वैसे सिमिलर चीज़ें यहाँ पर अभी किए जाने वाली है, जिसके कारण यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सपांशन और प्रमोशन हो सके और यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अच्छी सी मिल सके। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो जतिन कुमार पूछते हैं, एनी बुलेटिन प्रोजेक्ट इन NCR और न्यू सिटीज इन NCR एक्सेप्ट गुड़गांव, नोएडा? तो देखो यार, NCR के बारे में बात करिए या ओवरऑल दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली वाराणसी कोलकाता इन बुलेटिन प्रोजेक्ट का सर्वे हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली वाराणसी वाला रूट है उसको जो NHSRCL की फीजिबिलिटी स्टडी थी वहाँ पर अनफीजिबल बताया गया था। वहाँ पर उतना डिमांड, जो पेइंग कैपेसिटी लोगों की है, जिन रीजन्स को बेनिफिट करेगा वो गवर्नमेंट ने सही नहीं बताया था। इनफैक्ट अभी जो मैंने नागपुर वाला अनाउंस किया ये इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट के पहले वाले स्टेज पे है, ये प्रोजेक्ट का भी सर्वे वर्वे सब हो चुका है, उसको बाद में आगे भेजा गया था फिर वो रिजेक्ट हुई थी, नागपुर में भी चांसेस है, लेकिन यहाँ पर इसके वजह से अभी कोई एक्टिवली बनेगी ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में तो बनेगी ही। एट द सेम टाइम न्यू सिटीज़ के बारे में बात करें तो यार मेरे को ज़्यादा इसके बारे में भी है नहीं नॉलेज, लेकिन यहाँ पर जो है रिलायंस की मेट सिटी तो है, लेकिन साथ साथ जो गुड़गांव है, नोएडा है, ये शहरों ने अपने 30-40 साल के एक्सपांशन प्लान अभी से बना लिए है, ये थाउजेंड्स ऑफ एकर ऑफ लैंड रिसेंटली खरीद रहे थे जहाँ पर वो न्यू सिटीज़ के न्यू एरियाज़ बनाएंगे, जो अभी पहले रूरल में आते थे उनको अर्बन में क्लासीफाई किया गया है लैंड को, तो यहाँ पर इन्हीं शहरों का एक्सपांशन नज़र आ है। तो इस तरीके से शहर बड़े हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपके उसके सवाल आप नीचे मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।